तो सोनी टीवी पर एक शो रिलीज हुआ है श्रीमद रामायण। दोस्तों उसे केवल टीवी पर ही दिखाया जा रहा है, आप फोन में या फिर कहीं अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी देखना चाहते हैं अपने फोन में श्रीमद रामायण को, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम आपको बताने वाले हैं कि श्रीमद रामायण शो को फोन में कैसे देखें। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पब्लिक आरपी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों श्रीमद रामायण सोनी टीवी का एक ऐसा पॉपुलर शो बन रहा है, जी हाँ दोस्तों पॉपुलर शो होने वाला है, जो दोस्तों अभी तक सोनी टीवी पर नहीं हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों सोनी टीवी के जितने भी शो हैं 0.3-0.4 टीआरपी ला के देते हैं, लेकिन दोस्तों श्रीमद रामायण की फर्स्ट वीक की टीआरपी ही 0.9 थी। जी हाँ दोस्तों श्रीमद रामायण के इतने पॉपुलर होने का एक और रीजन है, दोस्तों रामायण एक ऐसी स्टोरी है जिसके सारे ट्विस्ट सारी स्टोरी ऑडियंस को पता है, लेकिन दोस्तों फिर भी ऑडियंस उसे पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों राम कथा है ही एक ऐसी कथा। तो दोस्तों आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बताते हैं कि आपको फोन में कैसे देखने को मिलेगी श्रीमद रामायण। तो दोस्तों श्रीमद रामायण को फोन में देखने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, टाटा प्ले। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों उसे लॉगिन करना होगा, दोस्तों जो स्क्रीन पर लोगो दिख रहा है उस वाले टाटा प्ले ऐप को ही आप डाउनलोड कीजिएगा। दोस्तों उस टाटा प्ले ऐप पे आप अपने फोन में श्रीमद रामायण शो को देख सकते हैं उसी टाइम जिस टाइम टीवी पर शो आता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जाइए जल्दी से टाटा प्ले ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने फोन में श्रीमद रामायण को देखिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।